तो आज की वीडियो है नीट 2024 एस्पिरेंट के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीट 2024 एग्जाम तक इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हम कितनी बार इस चैनल पर फिजिक्स को रिवाइज करेंगे। हाँ, सिर्फ हम फिजिक्स को पढ़ाएंगे नीट 2024 तक, बायो को हाथ नहीं लगाएंगे, केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आपको इस चैनल पर क्या क्या मिलेगा। तो आपको इस चैनल पर मिलेगा 5 लेयर रिवीजन फिजिक्स का, मतलब आप फिजिक्स को 5 बार रिवाइज करोगे इस चैनल पर, ठीक है। चलिए देखते हैं 5 लेयर रिवीजन प्लान में क्या क्या आता है। देखिए लेयर 1 जो कि चल रहा है, अगर आप मेरी रिसेंट वीडियो देखोगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर है और कैपेसिटर पर के ऊपर है। मैंने 3 वन शॉट बना दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का 1 शॉट बनाया है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से, आप चाहे तो चैनल में देख चुके हैं, देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने 1 शॉट बनाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से ही। फिर मैंने कैपेसिटर का भी 1 शॉट बनाया है, इवन मेरी लास्ट वीडियो कैपेसिटर के 1 शॉट के ऊपर ही थी, ठीक है। तो मतलब लेयर 1 को हम स्टार्ट कर चुके हैं और लेयर 1 में हम 3 चैप्टर्स का 1 शॉट बना चुके हैं। मतलब लेयर 1 में जो है वो हम देखेंगे 1 शॉट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अगर आप क्या क्वालिटी है होगी इन 1 शॉट की वो चेक करना चाहते हैं तो आप मेरा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का 1 शॉट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1 शॉट या कैपेसिटर का 1 शॉट चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी आपको। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है। फिर उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाएंगे हम, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाएंगे, फिर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाएंगे हम, फिर पढ़ाएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर हम पढ़ाएंगे रे ऑप्टिक्स, फिर हम पढ़ाएंगे वेव ऑप्टिक्स, फिर हम पढ़ाएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, फिर हम पढ़ाएंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर हम पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर। मतलब लेयर 1 में आप क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लोगे 1 शॉट के जरिए, ठीक है। और लेयर 1 में एक चीज और है, वो चीज क्या है मैं बताता हूं। देखो लेयर 1 में जो स्पेशल चीज है वो यह है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर को पढ़ा दिया, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर को भी पढ़ा दिया, फिर हमने कैपेसिटर चैप्टर को भी पढ़ा दिया, और जैसे ही मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा दूंगा, ठीक है। 3 लेक्चर आ चुके हैं, ये 4th लेक्चर मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर भी आ जाएगा, तो फिर मैं इन चारों का एक 1 शॉट अलग से बनाऊंगा, मतलब ये 4 इंडिविजुअल करा दूंगा, फिर इन चारों के जितने भी फॉर्मूले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार फिर से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उसी तरह से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का इंडिविजुअल लेक्चर आएगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का भी इंडिविजुअल 1 शॉट आएगा, EMI का भी इंडिविजुअल 1 शॉट आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का इंडिविजुअल 1 शॉट आएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी इंडिविजुअल 1 शॉट आएगा। फिर जब ये सारे 1 शॉट पूरा कर दूंगा तो इन सारे चैप्टर्स का एक मैराथन बनाऊंगा, मतलब सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पढ़ाऊंगा, जितनी भी ट्रिक्स हैं वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखो रे ऑप्टिक्स इंडिविजुअल 1 शॉट आएगा, वेव ऑप्टिक्स इंडिविजुअल 1 शॉट भी आएगा। अब देखो ये दोनों चैप्टर मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, तो इन दोनों का भी मैं मैराथन
बनाऊंगा, मतलब इन दोनों का इंडिविजुअल वन शॉट तो आएंगे ही, साथ में मैं इन दोनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी बताऊंगा, की पॉइंट्स वो भी बताऊंगा, जितने भी ट्रिक्स हैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स में घुस गए हम, और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इन दोनों के भी इंडिविजुअल वन शॉट आएंगे, लेकिन एक आएगा मैराथन। मैराथन में क्या होगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, दोनों के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बताऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो बताऊंगा, जितनी भी ट्रिक्स हैं टिप्स सब बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर इंडिविजुअल से 3 से 4 क्वेश्चन आने लगे हैं जब से एनटीए क्वेश्चन बनाने लगा है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर एक इंडिविजुअली वन शॉट बनेगा, ठीक है, वो भी एक बार, मतलब सेमीकंडक्टर के ऊपर 100+ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं जब मैं इसका वन शॉट लेने पर आऊंगा, ठीक है। तो देखो इस चैनल पर आपको मिलेगा 5 लेयर रिवीजन। लेयर वन में हम क्या करेंगे आप समझ गए, पूरी क्लास 12th का इंडिविजुअल वन शॉट बनाएंगे, और कुछ जो एक यूनिट की तरह होती हैं, जैसे ये चारों चैप्टर, इन चारों चैप्टर का फॉर्मूलों के ऊपर, की पॉइंट्स के ऊपर एक नया वन शॉट आ जाएगा आपको, ठीक है। तो लेयर वन में आप एक चैप्टर को 2 बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब लेयर टू पर चलते हैं कि लेयर टू क्या कहती है। अब देखो लेयर टू पर जाने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार लेयर वन में सिर्फ क्लास 12th के चैप्टर क्यों लिए हैं, लेयर वन में क्लास 11th के चैप्टर क्यों नहीं लिए। तो वो इसलिए क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस का ट्रेंड देखोगे तो क्वेश्चंस लगभग 65% क्लास 12th से आते हैं और 35% क्लास 11th से आते हैं, ठीक है। पहली चीज कि अगर आप क्वेश्चंस का ट्रेंड देखोगे तो लगभग 65% क्वेश्चंस नीट में क्लास 12th से आते हैं और 35% क्वेश्चन नीट में क्लास 11th से आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप जब क्लास 11th को पढ़ते हो तो देखो फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर, मतलब क्लास 11th है और क्लास 12th है, तो आपने क्लास 11th में भी 11th को पढ़ा होता है, और कहीं ना कहीं जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्होंने क्लास 12th में भी 11th का पढ़ा होता है, मतलब आप 11th का सिलेबस काफ़ी अच्छे से कर लेते हो जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। क्लास 12th में आपको समय भी कम मिलता है और सिलेबस भी काफ़ी वाइड होता है, इसलिए मैं लेयर वन में सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के वन शॉट कराऊंगा आपको। फिर जब लेयर टू की बात आएगी, लेयर टू मतलब सेकंड टाइम रिवीजन, तो उसमें मैं क्लास 11th के और क्लास 12th के दोनों ही के कंसाइज वन शॉट कराऊंगा, कंसाइज वन शॉट का मतलब समझते हो, मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे हम एकदम, मतलब फील नहीं लेंगे किसी भी टॉपिक की, लेकिन रिवाइज करेंगे हर एक चीज को जो भी क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है नीट एग्जाम में, हम हर उस चीज को रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब जब लेयर टू स्टार्ट होगी तो मैं लेयर टू का टाइम टेबल तभी दूंगा, ठीक है। देखो लेयर वन मतलब फर्स्ट टाइम रिवीजन तो हमारा चल रहा है जिसमें 3 वन शॉट आ चुके हैं, लेयर टू जब स्टार्ट होगी तो टाइम टेबल मैं तभी बताऊंगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, फिलहाल लेयर वन में काफी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका रीजन सिंपल सा इतना है कि मेरे फर्स्ट ईयर के प्रोफ एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय वीडियो क्रिएट करने को नहीं दे रहा हूं। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मेरे प्रोफ एग्जाम निपट जाएंगे, उसके बाद आपको हर 5 दिन में 2 या 3 वीडियोस मिल जाया करेंगी,
ठीक है, तो आप इस बात से बेफिक्र रहो कि ये बंदा 5 टाइम रिवीजन कैसे कराएगा। अगर आपने सपोर्ट दिया तो मैं 5 टाइम नहीं 6 टाइम भी रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वीडियो थोड़ी थोड़ी स्लो आएंगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे भी फर्स्ट ईयर के प्रोफ एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, तो आप इस बात को समझना। अब लेयर 2 क्लास 11th क्लास 12th के हम कंसाइज वन शॉट देखेंगे। लेयर 3 में हम देखेंगे मैराथन क्लास 11th और क्लास 12th के। मैराथन मतलब हम 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 चैप्टर एक एक साथ पढ़ेंगे 15-15 घंटे में, ठीक है। तो इस तरह से लेयर 3 में मैराथन चलेंगे। लेयर 4 में PYQ सीरीज लॉन्च करेंगे हम क्लास 11th की और क्लास 12th की, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं है कि सारी लेयर में यही रखूं। अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो आप बताइए, इसमें चेंज होगा। अगर आप PYQ सीरीज नहीं चाहते हैं, अगर मेजोरिटी स्टूडेंट PYQ सीरीज नहीं चाहते हैं, तो हम PYQ सीरीज नहीं करेंगे, इसकी जगह और कुछ करेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। पहले मैंने बता दिया कि मैं ये सोचता हूँ, अगर आप राज़ी हैं तो हम यही करेंगे, अगर आप राज़ी नहीं हैं तो आपके हिसाब से इसमें चेंज कर लेंगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। तो जिस तरह से आप कंफर्टेबल होगे उस तरह से हम चीज़ें रखेंगे, ठीक है। तो लेयर 4 में PYQ सीरीज करेंगे। लेयर 5 में कंप्लीट फिजिक्स इन 25 आवर। देखो लेयर 5 आएगी एग्ज़ाम से 10-12 दिन पहले, जिसमें हम लगभग 25-30 आवर्स में क्लास 11th की क्लास 12th की कंप्लीट फिजिक्स करेंगे, ठीक है। अब अगर आपका सपोर्ट ज़्यादा मिला तो लेयर 6 डिपेंड करती है आप पर कि आपका सपोर्ट कैसा है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिला, काफ़ी स्टूडेंट पढ़ने आए, तो लेयर 6 भी मैं लॉन्च कर दूंगा और लेयर 6 में उसी पर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो अब आप एक बात समझो, वो बात यह है कि सबसे पहले आएगी लेयर 1, फिर आएगी लेयर 2, फिर आएगी लेयर 3, फिर आएगी लेयर 4, फिर आएगी लेयर 5, ठीक है। और अभी हम लेयर 1 की स्टेज पर हैं और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर पर तक लेयर 1 में बहुत हल्के हल्के वीडियोस आएंगे। उसका रीज़न मैंने बता दिया, मेरे प्रोफ एग्ज़ाम चल रहे हैं। फिर लेयर 1 के बाद आएगी लेयर 2, लेयर 2 के बाद आएगी लेयर 3, लेयर 3 के बाद आएगी लेयर 4, लेयर 4 के बाद आएगी लेयर 5, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर होगी, बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट लेयर हैं, लेकिन मतलब लेयर 2, मतलब जब हम 2nd टाइम रिवीजन करेंगे तो वो सबसे बेहतरीन और सबसे इफ़ेक्टिव माना जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत बैलेंस रखेंगे चीज़ें। हम एक बात ध्यान रखना, जब हमारा लेयर 2 चल रहा होगा उसी वक्त बहुत अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी वन शॉट चल रहे होंगे, तो हम लेयर 2 का ड्यूरेशन इस तरह से रखेंगे कि आप लेयर 2 सीरीज को भी फॉलो कर लें और जो अच्छी कोचिंग्स के अच्छे वन शॉट होते हैं उनको भी कर लें, ठीक है। तो हम लेयर 2 में टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं आए, ठीक है। बाकी फिर लेयर 3 आएगी, लेयर 4 आएगी, लेयर 5 आएगी। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पर बने रहना है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डालते हुए, बहुत कम क्या मिनिमम सपोर्ट आया है, 1-2%, ठीक है। तो बस इस चैनल पर बने रहिए आप, कोई भी परेशानी है हमें बताइए, ठीक है, आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे नीट 2024 तक, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं इस टाइम टेबल में या इस सिनेरियो में, तो आप बताइए, मैं उस चीज़ को ध्यान में लाऊंगा, वो चेंज कर दूंगा। जैसे आप PYQ नहीं चाहते हैं तो PYQ हटा देंगे, इसकी जगह जो आप चाहते हैं वो लाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।